नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके घटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं यहाँ पर किसी किसी को होस्ट बना देता हूँ और फिर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा यहाँ पर, जो भी बोलना चाहते हैं अनम्यूट कर पा रहे कि नहीं देखिए प्लीज, मैं तब तक यहाँ पे लेके आता हूँ। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, एक बार अनम्यूट करके देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। तनिका मैम आप अनम्यूट हो पा रही हैं? हाँ जी सर, सर अभी अभी हाँ हुए, अभी हुए, यस सर, हो रहा है सर अनम्यूट। ठीक है, तो किसी को कोई केस डिस्कस करना है तो करिए प्लीज। नमस्कार सर। हाँ जी सर, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम बताइए। सर मेरे को ये एक पेशेंट है सर, उसका ना सेंटिनल टैग है,
यस सर, तो सेंटिनल टैग में सर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ पिचू रख सकते हैं ना, गुड पिचू रखते हैं हम लोग, कोई भी जैसे कि मूषक सिद्ध तेल उसका पिचू रखते हैं तो वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। अगर वो कोई भाग बाहर आए तो उसको अंदर प्रेस करके, और फिर हम गुद पिचू रखते हैं। टांगेरी आदि पर गृह सर ये जाता कंप्लीटली तो जाता नहीं है ना, है, 100% जाता है। अगर पेन तो बहुत ज्यादा है, हार्डनेस है, तो अफगाहन स्वेद देते हैं, और उसमें खाने के लिए सप्तविंशति गुगुल। अगर आप फोटो भेजते मुझे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ऐसे सप्तविंशति गुगुल, त्रिफला एकेटी, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल देते हैं, अग्नि को अच्छा करते हैं, अनुलोमन द्रव्य देते हैं, तो हो जाता है। हाँ जी सर। सर एक्चुअली वो पेशेंट ने मुझे भी, जब आया ना पेशेंट मेरे पास, तो उन्होंने मुझे मतलब फोटो बना के दिखा दी, मुझे दिखाया नहीं, मतलब शी सेड कि ऐसे मैं आपको ड्राइंग करके बता देती हूँ, मैं बताऊंगी नहीं। तो कह रही कि मैंने सर्जन को दिखाया हुआ है, तो सर्जन ने बोला है कि सेंटिनल टैग है और उसमें हम लोग कुछ करना नहीं है, उसकी सर्जरी भी वो एडवाइज नहीं करती है, तो इसको ऐसा चलाने दो, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने बोला कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी सर, ठीक है, आप बिना देखे ऐसे ही अंधेरे में तीर मारना चाहती हैं तो आपका मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं दूंगा दवाई। ठीक है सर, फिर मैं उसको बोलती हूँ सर। एक्चुअली वो दिखा नहीं रही थी, मैंने उसको बोला था, वो तो आई फिर थी और सब आप कुछ। दवाई कैसे देंगी? वो सैनिटल टैग है कि क्या है? वो असली में है भी कि प्रोलैप्स है, क्या है? सर्जन नहीं सर, वो सर्जन को दिखा के आई है, वो मुझे स्लिप दिखा रही थी। को दिखा के आई है और आपसे ट्रीटमेंट ले रही है, वाह बहुत बढ़िया। फिर जी फायदा नहीं सर, होगा तो बोले कि आयुर्वेद में पैसा वेस्ट हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। सर्जन को दिखा सकते हो लेकिन आपको नहीं दिखा सकती है, हाँ सर और उसने नहीं आप दिखाया। तो आप भी मान गई ट्रीटमेंट देने को, वाह बहुत अच्छा। नहीं सर, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैंने मैंने इसीलिए मैंने उसको होल्ड पे रखा कि पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी सर। हाँ तो पहले असली में डायग्नोसिस तो हो जाए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, फिर मैं उसको बुलाती हूँ, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ सर। ठीक है, ओके सर। हाँ जी थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर महेश सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? महेंद्र सर कोई किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? क्या यस सर, प्रणाम सर, अनम्यूट हो रहेगा? रहा है? हाँ शशि मैम बोलिए। हाँ सर, अनम्यूट हो जा रहा है अभी तो। मेरे हाँ पास ऐसा कोई खास केस नहीं है, और अभी दिमाग में मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं बाद में कुछ बोलती हूँ। ठीक है। जी सर, शैलजा आनंद मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? शैलजा मैम हैंड रेस तो किया लेकिन बोल नहीं रही है। किसी को कुछ केस पूछना है बताना है तो पूछिए, बताइए। डॉक्टर प्रज्ञा मैम आप कोई केस बताना चाहती हाँ हैं? सर, हाँ सर, मैं पेशेंट देख रही थी, अभी मैं बात कर सकती हूँ। सर जो मैंने आपको सुबह भी कहा था कि एक केस है, 31 ईयर ओल्ड फीमेल, हाँ हार्मोनल पैनल जो है वो सारा नॉर्मल है, जो मैंने खुद देखा हुआ है रिपोर्ट्स। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में रेगुलर पीरियड्स है, 2 to 3 days ऑफ ब्लीडिंग, नो स्कैंटी, नो क्लॉट्स। बट फिर भी क्या होता है, एवरी टाइम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जब हम करते हैं कंसेप्शन के लिए, तो उसमें 14x12 या 14x16 तक का फॉलिकल बन जाता है उसका, राइट और इधर लेफ्ट में। बट वो हाँ बाद में 16 डे के बाद वो श्रिंक हो जाता है, वो रप्चर नहीं हो रहा है। ये कॉन्जिक्यूटिवली 3 cycles हो गए, ये सेम ऐसे ही होगा, हो रहा है। उसमें मैंने उसको अनुवासन और मुस्तादीयापन, एरंडमुलादि निरूह, व्यत्यासा, ऐसे पूरा योग बस्तिक्रम, काल बस्तिक्रम पूरा किया है उसके बाद। पहले से पुरानी पेशेंट है वो मेरी। ओरल मेडिसिन में मैंने ब्रूहन चिकित्सा भी की, रसपाचन भी दिया है, आहार में बदल किया, फिर पेशेंट बहुत अच्छे से प्राणायाम और योगा भी करने लगी है पिछले 2 महीने से। बट अभी हाँ लेटेस्ट वाला जो उसका दिसंबर वाला जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, उसमें वापस से वैसे ही हो गया सर। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया मुझे कि पता नहीं अभी मेरा क्या कुछ विचार गलत हो रहा है, क्या पेशेंट के प्रति समझ में नहीं आ रहा है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए। सब लोगों ने सुना, मैं बताऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं कोई और भी बोले। बोलिए बोलिए, जैसे शर्माइए आप मत। हमेशा बोलते हो कि अपन वायु पे काम होना चाहिए, स्नेह जाना चाहिए, बहुत अच्छा।
तो स्नेह बस्ती भी मैंने उसको ऑलमोस्ट ऑफ एस्केलेशन डोज में भी दिया है, अनुवासन 120 ml से लेके 240 ml तक का, सहचरा दी, देन बला अश्वगंधा दी, इसका भी पूरा अनुवासन दिया है, फिर मुस्तादी यापन क्षीर सिद्ध करके जो है हमारा ये वो भी दिया है, फिर उसके बाद बीच बीच में एरंडमुलादी नीरू और अग्निदीपन बस्ती का भी बस्ती दिया है, फिर ओरल मेडिकेशंस में भी मैंने उसको रस रक्त पाचन, पीसीओएस का कोई उसका ना सिस्ट है ना कुछ, सोनोग्राफी भी क्लियर है सर, हॉर्मोन्स क्लियर है, अभी ये अननोन मतलब उनके पैथोलॉजी कहाँ पीरियड्स आ से, रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पीरियड्स रेगुलर है सर, ऑन एक हार्डली एक दो दिन इधर उधर हो जाता है, पीरियड्स कभी इरेगुलर हुए ही नहीं है उसके, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, इसीलिए मुझे ये केस ही नहीं समझ में आया कि पता नहीं कि क्या अभी डिस्कस करूं मैं किसी के तो साथ, मतलब कि ये अनओव्यूलेटरी साइकिल है क्या? अनओव्यूलेटरी सर नहीं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में आपको बताती हूँ, 11th डे से या 10th डे से मैं उसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए भेजती हूँ, उसका 15th डे 14th 15th डे तक फॉलिकल 14/16 12/16 तक अच्छे से ग्रो हो जाता है इधर राइट और लेफ्ट में, ऐसे भी नहीं, और हाइड्रोसेल्फिंगोग्राफी भी हुआ है, ट्यूबल ब्लॉक भी नहीं, ट्यूबल पेटेंसी भी अच्छी है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी 7 mm तक 7.5 mm तक चला जाता है, बट होता यूं है कि 16वें दिन से वो रप्चर ही नहीं होता है, वो श्रिंक होने लगता है, उसकी साइज कम हो जाती है। ठीक है, अभी इसमें मैम हमें चित्रकारी बट्टी एफओ देकर सर्च, देखा है क्या क्या मैम, रप्चर के लिए? चित्रकारी बट्टी देकर देखा है? रप्चर के लिए चित्रकारी नहीं, बट वो सर ने जो बोला हुआ था वो दिया था मैंने, रप्चर के लिए तो मैं यूजुअली अनुवासन बस्ती दे देती हूँ, बहुत अच्छे से रप्चर मिलता है मुझे, बाकी के पेशेंट्स में मैंने ये किया है कि 12वें दिन सहचरादि का अगर मैं अनुवासन देती हूँ तो मुझे 14वें या 15वें 16वें दिन तक रप्चर मिल जाता है, बट ये पेशेंट में नहीं दिया है, और चित्रकादि का अगर आप बोलेंगे तो मैंने दीपन पाचन में उनको चित्रकादि का भी यूज किया हुआ है मैम पहले, क्योंकि चित्रकारी बट्टी आपने रप्चर में बहुत बढ़िया काम करती है। बट पता नहीं अभी इसको, और मैम कई बार ना हाँ अननोन केस भी होते हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह के इस तरह के केसेस में अननोन, तो ये वही लग रहा है मुझे उसमें कोई मुझे ये ही नहीं, डायग्नोसिस ही डायग्नोसिस मतलब फैक्टर ही नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्टली वो फॉलिकल श्रिंक क्यों हो जाता है, इनफैक्ट मैंने बाद में उसका डिटेल सोनोग्राफी वापस एक बार करवाया कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है देखने के लिए, बट वैसा भी कुछ भी नहीं है, वो स्ट्रेस का रिलीफ। फॉलिकल श्रिंक हो जाता है 16वें दिन के बाद, फॉलिकल का साइज अपने आप 11/10 ऐसे श्रिंक होने लगता है, जो कि अच्छा 14/16 का बड़ा है और डिफ्यूज ऐसे लगता है कि कल रप्चर हो जाएगा, तो मैं बहुत बार पेशेंट को बोलती हूँ कि डोंट वरी कीप रिलेशन, डोंट वरी कीप रिलेशन, बट नहीं मैम नेक्स्ट ऐसा डे भी जब, होगा, एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट फिजिकली तो एक दूसरे से मिलते हैं बट मेंटली नहीं मिलते हैं, और जब तक मेंटली आप नहीं मिलते हो तो लेकिन हार्मोन्स का मेंटली ना स्टेटस नहीं मिलने का होता। और रप्चर होने का क्या है, ऐसा बताइए ना, ट्रीटमेंट बताइए हाँ एक चीज कि लॉजिकली, ऐसा एक तो चीज ये वजह बताइए। है, दूसरा बात है मैम ऐसा जब है कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा करना डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस भेजना उसका, मैं देखकर बताती हूँ आपको। अच्छा बट मैम मुझे पैथोलॉजी नहीं समझ में आ रही है क्लिनिकल की, फॉलिकल श्रिंक मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं तो उष्ण गुण बढ़ रहा है, या फिर वात उसको जो रप्चर के लिए हमें पक्वा अवस्था तो पित्त की आनी चाहिए ना फॉलिकल में, फॉलिकल में पक्वा अवस्था कब आ जाती है, जब अच्छे से अगर वो पक्व होगा तो भी रप्चर होगा, तो वो मे भी पक्व नहीं हो रहा है क्या, तो ये क्यों हो रहा है ऐसे, ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैंने उसको तो जितने भी योग यूज करने हैं ना वो सारे कर चुकी हूँ मैं, मैंने उसको वापस एक बार बोला है कि आप इसको अलग तरीके से दीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप इसमें ऐड ओके करिए। अभी आपने जैसे चित्रकारी दे रही है ना, तो चित्रकारी उस टाइम पे दीजिए जब ये ओवुलेशन का टाइम होता है, चित्रकारी दीजिए, नहीं तो आप लशुन आदि दीजिए, उससे अच्छा फायदा होगा। और आप अदरक सोरस का नस्य दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है, अदरक सोरस का नस्य। और उसके पहले आप ना सिद्ध मकरध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत, पुष्प धन्वारस, नष्ट पुष्प अंतक रस, ऐसे थोड़ा ब्रीहण देना है हमें, पुश करना है, ब्रीहण से और ताकत आएगी, वो श्रिंक हो रहे हैं, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से पोषण होके फिर श्रिंक हो जा रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा उसको ताकत देनी है, तो इसीलिए स्वर्ण कल्प देना, पुष्प धन्वारस ज्यादा अच्छा काम करेगा। बराबर है क्या प्रज्ञा मैम जो मैं बोल रहा हूँ? डॉक्टर प्रज्ञा मैम आप सुन रही हैं क्या? सर, पुष्प धन्वा रस ऑलरेडी मैं उसे दे रही हूँ रसायन काल शतावर आदि ग्रुत के साथ, फिर फल सर्पिस भी मैंने उसको दिया है, वो पेशेंट मेरे से ऑलरेडी 2 महीने हो गए ट्रीटमेंट ले रही है तो उसमें अभी। थोड़ा और स्वर्ण डालिए ना, स्वर्ण मालिनी वसंत ऐड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा स्वर्णमाली वसंत दे दूं क्या? ओके इसमें थोड़ा और स्वर्ण ऐड करिए, स्वर्णमालिनी वसंत दे दीजिए, और वो जब ओवुलेशन का स्टार्ट होता है तभी से अब नस्य दीजिए, अदरक स्वर रस का नस्य भंग भस्म दे दीजिए, स्त्री रसायन ऐसे दे वो जो दीजिए, वंध्यत्व का योग बोला हुआ है ना वो भी मैंने दिया सर, वो बिदारी अदरक वाला पत्ता। जो अपने खपत पान जो इसका पान है खाने का जो पान होता है उसके साथ जो देना होता है वो भी मैंने दिया है उसे। तो हाँ ठीक है, आप ये स्वर्ण मालिनी वसंत ऐड करेंगी तो हो जाएगा, जैसे लग रहा है बंग बसमत स्वर्ण मालिनी वसंत ऐड कर अदरक दीजिए। स्वरस का नस्य और स्वर्ण मालिनी वंग भस्मा जसद भस्मा अभ्रक भस्मा और वो जो योग है ना हमारे इसमें वो दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी उसे, उसकी पुड़ी बना के फिर उसको घृत के साथ व्यानोदान काल में दिया हुआ है। देन हिंगू वचा दीपन के लिए मैंने अपान काल में दिया हुआ है, फिर पुष्पधनवा और ये शतावर आदि मैंने रसायन काल में दिया है, और फिर रात को मैं वापस उसे सहचर का स्नेहन सिर्फ पेट के ऊपर स्नेह लगा के फिर गर्म पानी से या गर्म इस पोटली से सेक के सोने के लिए बोलती हूँ। नस्य भी मैंने उसको जब भी मेरा पूरा बस्तिक्रम चल रहा था तो मैंने उसको फलसर्पिस का नस्य किया हुआ है। जो रप्चर होने का टाइम आता है ना तब चित्रक आदि या लहसुन आदि दीजिए, थोड़ा उष्ण हाँ रप्चर होने का मीन्स थोड़ा। उसको मुझे 12, 13, 14 डे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि फिर वो जो श्रिंक हो रहा है 16 डे के बाद वो श्रिंक ना होके रप्चर हो। हाँ ऐसा करिए, हो जाएगा। ओके ठीक है सर, बाकी तो आपका ट्रीटमेंट एक्सीलेंट है, सबसे अच्छा है। थैंक यू सर। और कोई, डॉक्टर शैलजा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी प्रणाम सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। केस है एक 20 इयर्स की लड़की है और उसको ना मतलब कॉलीरिथियासिस आया है और उसमें मतलब उसकी मैं मेन कंप्लेंट्स आपको बताती हूँ कि उसमें हर 15-20 दिन में उसको पूरे पेट में पेन वगैरह होती थी। मार्च अप्रैल से ये चीज चल रही थी, उसके बाद अगस्त में उन्होंने स्कैन करवाया तो वहाँ पे गॉल स्टोन्स आए हैं और गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर में तो आए हैं साथ में कॉमन बाइल डक्ट में भी उसके स्टोन आया है जो कि 4.8 mm का है। और सर बाकी उसको भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन भी उसको 4-5 साल से चल रही है, 2-2 दिन के गैप के बाद मोशन जाती है, नाउजिया वॉमिटिंग ये सब भी उसका चलता रहता है। और उनकी मदर की फैमिली में भी सबकी हिस्टेक्टमी कॉलीसिस्टेक्टमी हुई हुई है सर। और खाने में उसका थोड़ा बाहर का सेवन है, मोमोज वगैरह वो खाती रही है और भूख के बिना भी उसका भोजन वगैरह ये सब कुछ चलता है। तो इसके लिए सर और अभी जो नई स्कैनिंग आज जो हुई है उसकी उसमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस भी आया है और साथ में माइल्ड एसाइटिस का आया, तो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को थोड़ा गाइड करें प्लीज। इसमें तो बहुत सारा दवाइयां हैं, मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी बताएं। इसमें आप लोग बताएं गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या क्या दे सकते हैं। वीना मैम, विनीता मैम कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर त्रिवेदी सर आप कुछ बताएंगे, मैं तो हमेशा नारिकेल बताती बोलिए जी बोलिए। सर, हाँ गॉल ब्लैडर स्टोन का कुछ दवाई बताइए सर। जी सर, कोकिलाक्ष नाम से एक दवा आती है जिसे हम ताल मखाना बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं मिल सकता है। ताल हाँ मिल जाएगा ना शैलजा मैम को? मखाना हाँ जी अगर कहीं से मिल सकता है, सिर्फ इसके पंचांग स्वरस, इसका क्वाथ, इसके बीज का चूर्ण या इसका क्षार, जैसे भी इसका उपयोग कर सकते हो। अगर इसके पंचांग का स्वरस का यूज कर रहे हैं तो कम से कम 5 तोला देना पड़ेगा पूरे दिन में। क्वाथ यूज कर रहे हैं तो वो भी 10 तोले के आसपास देना पड़ेगा पूरे दिन में, 100 ml के करीब। बीज चूर्ण 3 ग्राम तक देना पड़ेगा। और अगर क्षार इस्तेमाल बनाकर कर रहे हैं जो सर्वाधिक उपयोगी है कोलियोलिथेसिस में, तो वो कम से कम 5 रत्ती तक उसके उपयोग में जाना चाहिए। साथ ही त्रिकंटक क्वाथ दे सकते हैं हम, इसमें चंदनाशर दे सकते हैं, और एक आता है सर पाषाण वज्रक रस, मैं कह नहीं सकता इस पर कितना। अभी ये ताल मखाना तो इसमें काफी काम करता है, इस पर हम काम कर सकते हैं। आम भाषा में उसे ताल मखाना कहते हैं, बाकी और भाषाओं में क्या कहते होंगे, लौंगी, सर, कुछ बोलते लौंगी हैं ताला खाने कुछ में। लौंगी फूके इसका लैटिन नेम है,
और ये अक्सर ना ये जो धान के खेत होते हैं इसमें अपने आप से हो जाता है, मिलता है पंसारियों के यहाँ और औषधि रखने वाले लोगों के यहाँ बहुत मिलता है। और ये अगर कोंकण से हैं तो कोंकण तो इसकी सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है जहाँ ये सबसे ज्यादा होता है, अगर उस तरफ से हैं तो। शैलजा मैम तो हरियाणा के हैं शायद, पंजाब से। अच्छा हरियाणा से, तो हरियाणा तो पराली से, हरियाणा ने तो दिल्ली की नाक बंद कर रखी थी पराली जला के, सॉरी सॉरी टू से, मैं पराली इसलिए कह रहा हूँ, पराली में इसलिए कह रहा हूँ कि ये धान के खेत में अपने आप से होता है, लोगों के लिए तो ये एक तरीके का क्या कहते हैं बेकार सी चीज है जिसे निकाल कर वो फेंक देते हैं खेत में से, तो अपने आप से होता है। और ये पंसारियों के यहाँ खूब मिलता है, 2 से 2.5 फीट से 4 फीट की ऊंचाई किसका छुप होता है, और जैसे ईख हो जाती है ना ईख, आपने यहाँ घास देखी हो ऊंची 3 से 4 फीट तक की, उतना ऊंचा होता है। और इस पे ऊपर जब इस पे फूल निकलते हैं तो बैंगनी रंग के होते हैं, और कोई लोंगी फोलिया करके इसका लैटिन नेम, बाढ़ में जाने तो पंसारियों के यहाँ तो वो मिलेगा नहीं लैटिन नेम से, तो उन्हें ताल मखाना कहते हैं, अंग है उसमें संस्कृत में से कोकिलाक्ष बोलते हैं। इसका क्षार इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ ना अगर हम जैतून का तेल और दिलवाते हैं उसके साथ उसे पिलवाने के लिए, तो एक तो वो और दूसरा त्रिकंटक क्वाथ, ये कुछ एक चीजें हैं जिनका थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट इसमें रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन आप ये ट्राई करके देख। हाँ जी ठीक है सर, तो बताए सर ये अपना किस डोज में देना है, सर किस डोज में देना है? अगर आप क्षार बना रही हैं इसका तो 5 रत्ती तक, क्वाथ दे रहे हैं तो 10 तोले तक, और अगर इसका स्वरस दे रहे हैं तो 5 तोले तक। तोले से मात्रा समझ, हाँ जी ये मैं जो क्या आपने, बताऊं, एक्चुअली मुझे ना पुराने तरीके से बोलने की आदत बहुत है जी, 5 रत्ती से समझ में आता है, 600 mg के आसपास तक हमें देनी है, तोले से अगर समझ में आता तो 11.664 मिलीग्राम। सर तो एक वो ही टाइम पे देना है कि ये डबल डोज होगी? नहीं, ये डबल डोज होगी, कोई सी भी देनी है तो डबल डोज ही देनी है। ओके मतलब एक टाइम पे हम लोग 5 रत्ती देंगे और नहीं शाम को भी नहीं 5 रत्ती। पूरे दिन की डोज है जो 3 डिवाइडेड मात्रा में देनी है। ओके ठीक है सर ओके जी जी सर, थैंक यू सर। okay. और क्वार्क की सर 100 ml बताइए आपने, 10 ml? 100 ml कम से कम 3 से 4 डिवाइडेड डोज में ठीक है क्वाथ, सर। स्वरस 50 ml 2 डोज में या 3 डोज में कर सकते हैं हम उसे। सर वो कोकिलाक्ष कषाय भी तो आता है, वो भी यही यही चीज है नहीं, क्या? मुझे मुझे ना ज्यादातर बाजार में क्या आता है इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा बाजार तो मेरी प्रयोगशाला है ज्यादातर। जी जी सर, जी सर ओके ओके अच्छा अच्छा आता होगा फिर तो और भी अच्छा है, और अगर हो तो प्लीज मुझे भी थोड़ा अपडेट कर दें उसका सर फोटो खींच के। आता है मैं कल अपनी क्लिनिक पे जाके ना आपको फोटो खींच के भेजूंगी, प्लीज प्लीज कोकिलाक्ष प्लीज कषाय है प्लीज, मेरे। यस ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर वैशाली मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर वैशाली मैम कुछ बोलिए आप प्लीज, हैंड रेज तो किया है। ठीक है और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछिए। हेलो, हाँ जी बताइए मैम। जी जी सर, मैं खुद ही गॉल ब्लैडर स्टोन की पेशेंट हूँ, तो जैसा मैम ने बताया कि वो पेन उनको रहता है बॉडी में, वो पूरे स्टमक में जो पेन रहता है, तो उसके लिए मैम सर जो है अभिपत्तिकर चूर्ण के साथ में अपामार्ग क्षार का 250-500 मिलीग्राम अपामार्ग क्षार एंड 2-2 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण सुबह खाली पेट में सर लेती हूँ। और सर ये कोकिलाक्ष जो है ना इसका एस्ट्रकैंथस लॉन्गिफोलियम है सर, इसका जो वो है क्या बोलते हैं इसका बोटानिकल नेम है। और सर ये इसका एक कोई अरवा फार्मेसी का सर एक जीएस स्ट्रिप्स ही आता है, उसमें इसकी 50 mg की मात्रा है और उसमें कई सारे सर क्षार भी हैं, वो मैं इस समय यूज कर रही हूँ, तो मुझे सिम्टम्स में सर बहुत रिलीफ है, मतलब कुछ मुझे प्रॉब्लम होती ही नहीं है इस समय, पर एक्चुअली मेरा स्टोन काफी बड़ा है तो मे भी उसका कुछ नहीं हो सकता, पर इसको लेने से मुझे बहुत रिलीफ है सर। मैंने एक पुराने हमारे यहाँ एक प्रैक्टिशनर है,
उनके उनका एक योग था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उसको नींबू नीर करके बनाया हुआ है, जिसमें नौ सादर है और करीब सर 1 लीटर तो नींबू का रस मैंने यूज किया था उसमें। उसका मैं डाल दूंगी, उसका जो भी वो है, उसमें कई सारी चीजें, सज्जी छार था और मतलब मैं डाल दूंगी उसको, मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ है सर उससे। तो अगर मैम यूज करना चाहे तो मैं इसमें ग्रुप में डाल देती हूँ जैसे बनाने का प्रोसेस है वो, और ये सारी चीजें। जी हाँ सर, जी मैम, जरूर डाल दीजिएगा। और आपने जो जी मेडिसिन बताई है उसके भी अगर एक जी पैकेट उसमें ग्रुप में जी प्लीज जी शेयर जी कर। बिल्कुल मैं डाल देती हूँ जी। हाँ जी, ओके ठीक है, मैम। थैंक यू। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपको। आपने जो ये केस बताया है ना, तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि देखो गॉल स्टोन जो होते हैं ना, अभी जैसे ये मैम ने बोला कि मेरा साइज काफी बड़ा है और मैं ये जो चीजें ले रही हूँ उससे मुझे सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत है। तो क्या होता है ना, बहुत बार जो गॉल स्टोन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड गॉल स्टोन होते हैं ना, उनका साइज मेजरली बड़ा ही मिलता है पेशेंट्स में। और वो स्टोन्स बहुत ज्यादा मूविंग या कहीं और सीबीडी में अटकने के या पैनक्रियाटिक डक्ट में अटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट आपने जो पेशेंट का केस हिस्ट्री बोला है ना, उसका आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि उसको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, मीन्स कोलेसिस्टाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है ये। इट इज नॉट ओनली अ कोलेसिस्टाइटिस और कोलेलिथियासिस। तो अगर वो सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और वो सीबीडी से लेके जब भी देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोन, गॉल स्टोन, एक जो होता है कोलेस्ट्रॉल का होता है और एक जो होता है वो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम बिलीरुबिनेट। तो आप पेशेंट का अमाइलेज और ये सब वैल्यूएशन देखिए, क्योंकि जो डक्ट कनेक्ट होते हैं ना स्टमक को, एक लीवर से जो सीबीडी और फिर वो पैनक्रियाटिक डक्ट डक्ट को कनेक्ट होता है, अगर हाँ जी, पैनक्रियाटिक डक्ट भी अफेक्ट है मींस ऑब्स्ट्रक्ट है तो ही पैनक्रियाटाइटिस होगा। और आपने बोला कि उसको एसाइटिस के भी लक्षण हैं, हाँ तो इट जी ये इज मतलब ऑल थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स अ कॉम्प्लिकेशन थिंग्स। तो मैंने खुद लाइफ में पेशेंट देखा हुआ है और उस पेशेंट का बाद में इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ था कि फिर हमें वो सर्जन को हैंडओवर करना पड़ा था केस। तो डोंट टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज मैंने खुद मेरी आंखों से देखे हुए हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, साइज बड़ा है और सिर्फ सिम्टोमेटिक चीजें हैं कि पेट दर्द है और मेडिसिन से वो रिलीफ है, देन इट इज ओके। बट अगर वो छोटे स्टोन है और वो जो मूविंग है और अगर डक्ट में वो अटक रहे हैं तो पेशेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन में जाएगा मैम। तो आप प्लीज उसके अमाइलेज वैल्यूएशंस देखिए, बिलीरुबिन वैल्यूएशंस देखिए, उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कीजिए। अगर वो सही है तो ही फिर उसको ओनली आयुर्वेदा मैनेजमेंट से ट्रीट करिए। अगर वो आपको लग रहा है कि एसाइटिस में जा रहा है पेशेंट, तो जस्ट टेक अ सेकेंड ओपिनियन ऑफ सर्जन। दिस इज माई जेन्युइन ओपिनियन मैम। मैम 15 डेज पहले जो स्कैन करवाई थी ना, उसमें पैनक्रियाटाइटिस नहीं था और कोई एसाइटिस नहीं था, लेकिन कल उसको पेन दोबारा से काफी स्वेयर हुई है और ये दोबारा रिपीट जो स्कैन करवाया है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आई है। हाँ, तो इसका मतलब देखो, उसका जो स्टेज से हम व्याधि अवस्था बोलते हैं ना आयुर्वेदा में, कि व्याधि की अवस्था क्या है वो पहले देखो कि जब भी गॉल स्टोन है, ओके गॉल स्टोन डायग्नोस्ड है, बट उसके स्कैन में अगर वो सीबीडी को या पैनक्रियाटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो पेशेंट कैन गो टूवर्ड्स अ कॉम्प्लिकेशन और वो बाद में रिवर्ट नहीं होता है। मैंने लिटरली जो हमारा डक्ट, मतलब पोस्ट सर्जरी जो हमने आउटलेट डाला हुआ था ना, तो उसका पूरा बैग जो है वो पूरा बाइल से रोज भरता था, इतना उतना उसका ऑब्स्ट्रक्शन था। एंड देन पेशेंट धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया एंड उसको हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। तो यहाँ तक के कॉम्प्लिकेशंस मैंने देखे हुए जस्ट बिकॉज ऑफ निग्लिजेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली जो सच है, मैं वो बोलती हूँ, वो पेशेंट 1.5 या 2 साल कहीं किसी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट पे ही था। आई एम नॉट सम, आई एम ऑल्सो फेवर ऑफ आयुर्वेदा, मैं खुद सिर्फ आयुर्वेदा की चिकित्सक हूँ। बट किन किन केसेस में आपको पहले व्याधि की अवस्था देखना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि चलो मैंने ये क्षार दे दिया, मैंने ये दवाई दे दिया तो पेशेंट रिवर्स हो जाएगा। पहले देखो कि व्याधि की अवस्था क्या है। व्याधि अगर कॉम्प्लिकेशन मोड में जा रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट को, तो अमाइलेज चेक करो, बिलीरुबिन चेक करो, लीवर फंक्शन करो। और आपके स्कैन में तो ऑलरेडी अभी के इसमें आ गया है कि पेशेंट इज हाँ जी, गोइंग टुवर्ड्स असाइटिस। इफ पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स ऑफ असाइटिस मींस पेशेंट इज डिटोरिएटिंग, उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं।
ठीक तो है पहले आप मैम। देखो सीबीडी का रिवर्स, अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करेंगे ना आफ्टर सर्जरी, तो उसको पेशेंट को देन यू कैन मैनेज इट विथ आयुर्वेदा, फिर वो पेशेंट पूरा रिवर्स हो जाएगा, फिर उसको वापस रिकरेंस नहीं होगा, बिकॉज ये जो है ना कोलेसिस्टाइटिस, कोलेलिथियासिस, ये रिकरेंस होने वाली चीजें हैं। एक बार ट्रीट कर दी सर्जरी के बाद, तो भी वापस कुछ सालों के बाद वापस रिकरेंट फेज में जा सकता है, अगर पेशेंट ने खाना ठीक से नहीं खाया, पित्तज आहार बहुत किया, बहुत जंक फूड खाया, तो ये रिकरेंस हो सकता है उसका। तो ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला आपको। यस मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि द टर्म इज, अगर वो सर मैम आप अल्ट्रासाउंड पे देखोगे ना, तो वो टर्म आती है कोलिडो कोलिथियासिस, जब वो सीबीडी हाँ में चला हाँ जाता है, तो दिस इज द यस टर्म। एग्जैक्टली, कोलिडो ये है मैम, इफ यू कोलिथियासिस, विल सी द अल्ट्रासाउंड ना, तो वो टर्म आ जाएगी, और यू हैव टू करेक्ट सी द साइंस, वो करेक्ट पेनक्रियास के करेक्ट अराउंड द कुलीन साइन, यू हैव टू सी कि वो उसमें वो ब्लैकिश या ब्लूइश डिस्कलरेशन है, यस करेक्ट तो आपको वो कलरेशन और वो साइंस देखने हैं। तीसरी चीज क्या है मैम, अगर उसको पैनक्रियाटाइटिस के, आपको मैम साइंस एक बार चेक करने हैं कि आप उसको जो पेन है वो एम्ब्लॉयकस से शुरू होके पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही है, ये 3 और 4 साइंस होते हैं जो पैनक्रियाटिस शो करते हैं कि ये पैनक्रियाटिस करेक्ट। पेशेंट अगर कंफर्म है एक्यूट कि नहीं। पैनक्रियाटाइटिस है, और इवन इन सच केसेस सर्जन लोग उसमें ये डाल देते हैं, ड्रेन डाल देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर मैम, ड्रेन अमाइलेज ड्रेन और लाइपेज बोथ विल शो द कि आपको ये क्रोनिक है कि या आपको एक्यूट करेक्ट है, तो वो आपको करवाना ही है। करेक्ट करेक्ट हाँ जी मैम, ठीक है। ये तो मैंने स्कैन शेयर की है ग्रुप में, और ये सब कुछ है उसमें, पॉजिटिव है ये सब कुछ। तो मैम ये फिर इमरजेंसी मैम मेडिकल इमरजेंसी बनती है, क्योंकि कोलिडो कोलेथियासिस में क्या करते हैं, पहले मैम वो सीबीडी से पहले स्टोन निकाल के, ठीक ये मेडिकल है। नहीं है, सर्जिकल इमरजेंसी, इसमें सर्जिकल हाँ जी इंटरवेंशन हाँ जी मैम, लगेगा वही ही वही वही लगेगा। कहना चाह रही हूँ मैम, कि वो पहले वो गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट ही निकालता है मैम, सीबीडी से स्टोन निकालेगा, फिर वो अगले दिन, वो नेक्स्ट 1 या 2 दिन जब पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो कॉम्प्लिकेशन को दूर करके देन फिर वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करता है, तो 2 दिन करेक्ट लगते हैं। करेक्ट तो ये करेक्ट चीजें हाँ मैंने देखी हुई है, और वो ये चीजें कॉम्प्लिकेशन मैम ये डेथ तक जाती हैं अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो और तो। यहाँ पे इन सच केसेस हम इसका बिनाइन और नॉन बिनाइन, मीन्स मैलिग्नेंट और नॉन बिनाइन का भी कोरिलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट को भी रेफर किया जाता है ये केस टू फर्दर चेक, क्योंकि इसमें बहुत बार दिखाई देता है कि ये जो इन्फेक्शन है, असाइटिस हुआ इसका मतलब इन्फेक्शन है, पैनक्रियाटाइटिस का नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन असाइटिस बहुत बार दिखाई देता है हमें पेशेंट्स यस में। मैम, पर वो जब खोलेंगे ना उनको पता चल जाएगा, वो खोल के हाँ पता चल जाएगा हाँ उनको ये। हाँ 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 जी मैम, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी सर, बोलिए, आपकी आवाज आ जी रही है। हाँ हाँ सर, नमस्कार जी। एक सर, लेडी, बताइए। उम्र उसकी सर 36 साल है, और गर्भाशय में फाइब्रॉइड है, लीवर सेकेंड ग्रेड में है, और हर्निया है, और उसका जो हृदय स्राव है वो कम हो रहा है, और उसके संग में उसकी मात्रा भी कम है, 2 दिन ही उसको पीरियड आते हैं, और वो ये कह रही है 15 दिन में 1 किलो उसका वजन बढ़ जाता है। मैंने उसका हेतु निकाला तो उसमें रात्रि जागरण था, अध्यसन था, और बाहर का खाना भी था, और संग में तनाव भी है। तो उसको क्या देना चाहिए सर, क्योंकि ये हर्निया का पेशेंट मैंने तो लेडीज में कभी नहीं देखा सर, जेंट्स में तो देखे। सर तो कौन इसमें सा हर्निया बोला? प्रज्ञा मैम आप कुछ बताइए, सजेस्ट करिए प्रज्ञा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं। नमस्कार सर। यस सर, नमस्कार, प्रणाम सर। सर ये हर्निया का क्या है, साइट क्या है, साइट ऑफ हर्निया क्या है पेशेंट का? हर्निया उसके जांघ के यहाँ आ रहा है मैम, लेडीज के है, तो मैंने लेडीज को कभी हर्निया का कंप्लेंट नहीं देखा, क्योंकि मैंने जेंट्स के तो हर्निया का देखा। अच्छा, नहीं सर, लेडीज में भी आ जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं ऐसे, गायनेक में भी हर्निया की। नहीं देखा इसलिए बता रहा हूँ मैं तो। प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री है क्या सर पेशेंट को कुछ? नहीं, मैम उसके 2 बच्चे भी हैं, एक तो 11 साल की बच्ची है, एक 2 साल का, वो 8 साल का बच्चा है। उसका नेचुरल हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी है, सीजरियन का कुछ हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, एज क्या बताई थी सर अपने पेशेंट की? 36 36। अमें अच्छा, बहुत जल्दी हो गया है हर्निया। तो उसका सर हेतु देखिए ना, हर्निया मोस्टली होने के कारण जो है वो, अगर वो कुछ हेवी काम कर रही है, आप वो क्या काम करती है, वो व्हाट इज द पुलिस वर्क शी? में कांस्टेबल, हाँ पुलिस में कांस्टेबल है।
कांस्टेबल है, ओके ओके ओके। और आपने मेंस्ट्रुएशन का भी कुछ तो बोला ना उनका। वो बता रहा हूँ मैं, उसका फाइबर है उसके गर्भाशय में, और जो पीरियड है वो 2 दिन आता है मात्र, वो भी कम मात्रा में आता है, और एक उसका मोटापा बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से तो मैं तो ये सोच रहा था, इसको मेरे दिमाग से जो सोच रहा था मैं, कि जो गर्भाशय का जो फाइबर है ये शायद उसका ही प्रेशर हो, या फिर जो लीवर में गड़बड़ है उससे कुछ ये हर्निया की कंप्लेंट हुई है उसको, तो पहले ये कंप्लेंट हुई है फाइबर की उसको। नहीं सर, अरविंद सर मुझे भी इतना मतलब कोरिलेट करने नहीं आ रहा है, आप देखोगे कुछ गाइड करोगे इसमें। मैं करूंगा, लेकिन आप फाइब्रॉइड ठीक करना चाहते हैं हाँ कि फाइब्रॉइड तो हर्निया? हम से देखो सर, आप बोल रहे कि उसका वजन भी बढ़ रहा है, हर एक महीने में 1 किलो वजन बढ़ रहा है और फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड की वजह से सर अगर कैलकुलेट करें तो पेशेंट ओबेसिटी में जाते हैं, उसमें लेखन कर्म करना है। अगर पेशेंट को हर्निया है इसलिए आप बस्ती चिकित्सा भी दे सकते हो, आप अनुवासन बस्ती और वातग्न जो एरंडमुलादी नीरू है वो व्यत्यासत दे के देखो, पेशेंट का हर्निया भी कम हो जाएगा। ग्रेड अगर आपको पता है ना कि वो खांसने के बाद कितना आ रहा है बाहर, तो उसके हिसाब से आप बस्ती चिकित्सा करना शुरू कीजिए। अगर पेशेंट का अग्नि अच्छा है तो बस्ती चिकित्सा से उसको फाइब्रॉइड में भी लाभ होगा और हर्निया में भी लाभ होगा। नहीं, मेरे हिसाब से यदि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट किया जाए तो हर्निया में रिलीफ मिल जाएगा शायद, क्योंकि हर्निया तो उसको ट्रैक्ट हुआ है। मात्रा में क्या शुरू करिए ना सर, आप सर? मात्रा में शुरू करिए सहचरादि तेल का, तो दोनों में फायदा होगा। कुबेराक्ष वाटी देंगे ना तो वो फाइब्रॉइड पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और दीपन पाचन अनुलोमन देते रहिए तो हर्निया में बहुत अच्छा फायदा हुआ। और वहां पे इन्फेक्शन अगर होगा हर्निया की वजह से तो उसमें आप सूक्ष्म त्रिफला और गुगुलकल, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल दे सकते हैं। फाइब्रॉइड को ठीक ठीक करना है तो मांस पाचक, मेदो पाचक, कुबेराक्ष वटी, रौद्र रस, दंती पाचक वटी, ये सब दे सकते हैं। आरोग्य वर्धिनी, चंद्रप्रभा। है, मैंने जो बताया सर मैं बताता हूँ उसको आपको, थोड़ा सा आप इसमें संशोधन करवा देना मेरे को। फिर एक तो वृद्धि आरोग्य वर्धिका वटी। हाँ जी बताइए। वर्धनी, चंद्रप्रभा वटी, सुशेखर रस, एपत्ति का चूर्ण, प्रबाल पंचामृत, और त्रिफला गुगुल, कांचना गुगुल, 10 मूल क्वास से, और साथ में कुमारी आसप और अशोक रस, जिससे उसका पीरियड भी साफ हो जाए, जी और रात को उसको तीव्र तबले दे देता हूँ जिससे उसके दस्त भी साफ हो जाएंगे, इसमें लीवर और ये सारे कवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। आप इसमें बताओ मुझे क्या और इसमें क्या ऐड करना चाहिए। इतना तो ठीक है, इतना से शुरू तो करिए, फिर देखते हैं ना क्या होता है। सर उत्तर पैतराई बस्ती देके, उत्तर बस्ती अगर कर सकते हैं ना आप तो मैं तो फाइब्रॉइड में मुझे इसका अनंतमूल का उत्तर बस्ती, अनंतमूल सिद्ध तेल का उत्तर बस्ती करती हूँ मैं फाइब्रॉइड में। क्षार तेल का इमीडिएटली नहीं करती हूँ पहले दिन, तो आप करके देखिए अनंत मूल अल्टरनेट का उत्तर बस्ती अनंतमूल सिद्ध। हाँ फर्स्ट में दे दो उसको पहले, या फिर पहले जनरली से बस्ती दे सादा? नहीं, पहले जनरल बस्ती दो और फिर उसके बाद जैसे उसका हर्निया आपको लगेगा कि कम हो रहा है, अपान का काम अच्छा हो रहा है, वात का काम अच्छा हो रहा है, तो फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड कौन सा है, कहाँ पे है, कितना साइज का है, पोस्टीरियर है कहाँ। सर्विस में हेलो, सर्विस में सर्विस में अच्छा सर्वाइकल फाइब्रॉइड है सर। सर्वाइकल फाइब्रॉइड में फिर आपको उत्तर बस्ती काम करें, आप नॉर्मल बस्ती देने के बाद उत्तर बस्ती दो, और जैसे सर ने बोला ना ये सारे द्रव्य दो, आपने भी दिया है कांचनार गुगुल और वो अच्छा काम करता है इसमें भी फाइब्रॉइड में। मैंने सुनी 10 मूल क्वास रख दिए जिससे उसका पेन वगैरह वो पीरियड वगैरह साफ हो जाए, क्योंकि पीरियड मेरे मेरे जो दिमाग कर्म काम कर रहा है वो क्या है, पीरियड की वजह से सारी समस्या हो रही है शायद, मोटापा भी फाइब्रॉइड इसी की वजह का। से पीरियड्स डिस्टर्ब हुए हैं सर, फाइब्रॉइड बना है इसीलिए पीरियड्स डिस्टर्ब हुए हैं उसके। तो पीरियड जैसे ही सही हो जाएगा वो शायद उसी कंप्लीट, क्योंकि कई बार फाइब्रॉइड तो पड़ा भी रहता है मैम, कुछ भी नहीं होता फाइब्रॉइड से भी कई लोगों के। हाँ बट फाइब्रॉइड में की वजह से ही फिर पीरियड्स या ओवर मेनोमेट्रोरेजिया या ऑलिगोमेनोरिया, ये सारी मेनली तो मेनोमेट्रोरेजिया होता है फाइब्रॉइड की वजह से, बट इनको कम हो रहा है ब्लीडिंग, आपने बोला ना इरेगुलर, तो आप उत्तर ये बस्ती कीजिए, अनुवासन बस्ती एंड निरूह बस्ती का क्रम कीजिए सर इनको। थैंक यू मैम। ठीक है सर, अगर ये रिपोर्ट भेजे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ग्रुप में या हमें भेजे तो पता चलेगा सर। हेलो सर, तक आवाज जा रही है क्या? शायद नहीं जा रही है। कोई और बोलना चाहते हैं, कोई केस? कंचन मैम आप कोई केस बताना चाहती हैं? आपने ज्वाइनिंग कर लिया कंचन मैम?
पंचर मैम तक आवाज नहीं जाती है। जी सर, आपने ज्वाइन कर लिया? जी सर, कल से ही कर लिया मैंने। थैंक अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप पेशेंट देखिएगा, यू फिर सर। बताइए। जी सर, जी सर। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछिए, बताइए। कोई केस नहीं बताना चाहते तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैं सेशन बंद करता हूँ। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।